गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसके 100 ऑफ केसेस आजकल हमें मिल रहे हैं और जिसने हमें आपस में नजरें मिलाने के लिए भी मना कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को आंखाना भी कहते हैं, इसे पिंक आई भी कहते हैं और इसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस है क्या चीज और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, एंड सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो चलिए शुरू करते हैं कंजक्टिवाइटिस से। कंजक्टिवाइटिस है क्या चीज? आंख के बाहरी जो झिल्ली है उसके इन्फेक्शन को, उसके इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। यानी कि पलक के अंदर जो हिस्सा हमें दिख रहा है, इस हिस्से की जब किसी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, तब हमें जो इन्फेक्शन होता है उसे हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस जो है आजकल के ही इन्हीं दिनों में क्यों ज़्यादा फैलता है। क्योंकि अभी मौसम है रेनफॉल का, मानसून का। मानसून में बारिश आती है, बारिश से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बैक्टीरिया और वायरस बढ़ते हैं, उसकी वजह से यहाँ वहाँ हमारे हाथ लग जाते हैं या कोई चीज़ें हमारी पड़ी होती है उन पर जल्दी से इन्फेक्शन आ जाता है और वो हम आँखों के आसपास इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमें इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तो हर साल इन्हीं दिनों में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन इस साल इसके 100 ऑफ केसेस रोज देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? अचानक से बहुत सारी रेनफॉल हो गया है और साथ में फ्लड भी आ गया है। तो फ्लड आने की वजह से ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरल का इन्फेक्शन जो है, मतलब बैक्टीरिया और जो वायरस है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उनकी वजह से अभी 100 ऑफ केसेस हमें रोज देखने को मिल रहे हैं। ये फैलता कैसे है? अगर आपका किसी से कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट आ गया, आपने किसी के लेंस यूज कर लिए, आपने किसी की आंख पे रगड़ा हुआ रुमाल यूज कर लिया, यानी कि इन्फेक्शन जो है ये 99% किसी ना किसी कॉन्टैक्ट से फैलता है। और एक रीज़न है कि आपने कोई गंदी सतह थी, कोई गंदी जगह थी जहाँ पे टच करके अपनी आंखों को रगड़ लिया, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन आपको आ सकता है। ये रीज़न क्या है इसके पीछे होने का? बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया इन्फेक्शन जब आपको होगा तो आपकी आंखों में स्टिकीनेस रहेगी, बहुत चिपचिपासा येलोइश या वाइटिश कलर का आपकी आंखों से गंदा कुछ लिक्विड सा रिलीज होगा। वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा? एकदम वाटरी डिस्चार्ज रहेगा आपकी आंखों से। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। देखो, आंखें लाल होंगी, आंखों में दर्द हो सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, आंखें आईलिड्स जो है वो चिपक सकती हैं। अगर आपकी आंखों में दर्द है, आपको आंखों में स्वेलिंग है, आपको रेडनेस है, तो आप समझ जाइए आपको आई फ्लू हो गया है। उसके साथ साथ आपको वाटर डिस्चार्ज भी हो सकता है, कभी कभी ये डिस्चार्ज जो है ये थिक भी हो सकता है। उसके अलावा आपका जो आईलिड्स है ये चिपक सकती है, इनमें क्रस्ट फॉर्मेशन हो सकता है और कभी कभी आपका विजन जो है वो ब्लर भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि आपको आई फ्लू हो गया है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो आप अपने आप को पहले आइसोलेट कर लें, क्योंकि फैमिली में बच्चे भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो किसी और को ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, नज़रें नहीं मिलाने देता है ये इन्फेक्शन हमें, तो इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। गंदे हाथ ना लगाएं, आंखों को बार बार रगड़ें नहीं, आंखों को ठंडे पानी से वॉश करें, कोल्ड कंप्रेशन दें। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करे थे उस टाइम जब आपको इन्फेक्शन हुआ था, उन लेंसेज को आप फेंक दें, आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने क्या करना है? इन्फेक्टेड कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, गंदी जगहों पे हाथ लगा के आंखों में नहीं लगाना है, वरना आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर आपको नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा पेन या तकलीफ नहीं है, तो आप घर पे ही इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ठंडे पानी से बार बार आंखें धोइए, आंखों पे कोल्ड कंप्रेशन लगाइए, उसके साथ कोई भी एक एंटीबायोटिक ड्रॉप या आंखों में डालने वाले कैप्सूल आप इजीली मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप्स, जो आपकी आंखों में बहुत ही ठंडक देगा और आपकी आंखों का इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और साथ में आप ले सकते हैं एपिस मेलिफिका 200, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को आप लें डायरेक्टली ऑन टंग पे, तो आपका जो इन्फेक्शन के साथ साथ जो स्वेलिंग और पेन आ गया है वो भी आपका एपिस मेलिफिका लेने से ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।